नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विपुल राजपुरे स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल विपुल एजुकेशन पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 11 की जो बुक है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग वन सत्र 2023-24 पाठ नंबर 1 औपनिवेशिक भारत सतत शोषण का काल के 5 पार्ट हमने आप पढ़ाए हैं। पार्ट नहीं देखे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। और आज हम उसके प्रश्न उत्तर मैं आपको करवा रहा हूँ। ये जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है विपुल एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और यह आप सीधे टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो विपुल एजुकेशन। चलिए प्रश्न उत्तर मैं आपको करवाता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपको किताब में देख लेना, उत्तर लगा लेना। पहला प्रश्न है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। तो इसके जो विकल्प हैं वो है ए दादा भाई नारोजी, ब बाल गंगाधर तिलक, स R.C. दत्त और द गोपाल कृष्ण गोखले। तो नीचे उत्तर लिखा हुआ है ए दादा भाई नारोजी। प्रश्न नंबर 2, किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया। ए स्थाई बंदोबस्त, ब महलवाड़ पद्धति और स रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। यानी किस भू राजस्व भूमि का मालिक जो है जमींदार को माना गया था। तो जमींदार को जो भूमि का मालिक माना गया था वो स्थाई बंदोबस्त में माना गया था। ए जो है इसका उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न है वो है, रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई। ए कार्नवालिस एवं जॉन शोर के द्वारा, बी रीड व मुनरो के द्वारा, स मार्टिन बर्ड के द्वारा और द केनिंग के द्वारा। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है रीड व मुनरो के द्वारा। चौथा प्रश्न है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसके ऑप्शन है दादाभाई नारोजी, बाल गंगाधर तिलक, R.C. दत्त और गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका उत्तर भी क्या है, दादाभाई नारोजी। ये 4 तो ऐसे वाले प्रश्न हैं। 2 बड़े प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है, धन निष्कासन से आप क्या समझते हैं। तो इसकी जो मैंने यहाँ पर जो किताब का ये दिया ना इमेज वो आपको देख लेनी है। ये पूरा उत्तर इसका ये उत्तर है इसका, ये यहाँ से लिख सकते हो, किताब से भी लिख सकते हो। पेज नंबर 7 पर है ये उत्तर, धन का निकास ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है, 6 प्रश्न वो पूछा गया, भू राजस्व व्यवस्थाओं का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर ये जो है पेज नंबर 7 पर जो है आपके मिल जाएगा, भू राजस्व व्यवस्थाओं के कार्य कारण और निम्न दुष्परिणाम जो आए थे, कृषि का व्यवसायीकरण, निर्धन वृद्धि, ये सारा इसका उत्तर है। तो ये हमने आपको सूचना दे दी। और ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल है किसके नाम से, विपुल एजुकेशन के नाम से, इस नाम से ये टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।